अस्सलामुअलैकुम। नई मेडिसिन के साथ अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं हैं, आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी डाइट के अंदर विटामिंस को मेंटेन नहीं रखते हैं तो होता क्या है, आप बहुत ज़्यादा थके थके फील करते हैं, बहुत ही बेजार रहते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। अगर ज़बरदस्ती आप कोई काम कर भी लें तो आप थोड़ा थक जाते हैं और आपका दिल चाहता है बस कर दें। आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, आप नींद गहरी नहीं लेते हैं, आपका दिल हर वक्त घबराता रहता है, आपको सांस चढ़ने लग जाता है बात करने से, चलने से, तो डेफिनेटली आप अनीमिया का शिकार हैं। आपका HB लेवल जो है वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, जो आपको एनर्जी नहीं मिल रही। तो आपके लिए जो मेडिसिन है वो रूबिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूबिया पे, रूबिया टिंकरम। रूबिया जो है ये बेस्ट मेडिसिन है फॉर HB को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसके लेवल को हाई करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रूबिया जो है इसकी सिम्टम्स क्या हैं, रूबिया की किन किन डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी डोजेज क्या है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी सिम्टम्स, आज इसकी सिम्टम्स रिलेट करती हैं जो भी एनीमिया की सिम्टम्स हैं। अनीमिया में क्या होता है कि पेशेंट दुनिया से बेजार, उसको अगर उसको कोई भी मसला है, उसको हेपेटाइटिस है, उसको किडनी का कोई मसला है, या उसका कोई इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उसको अनीमिया है, उसका HB लेवल कम है, जिसकी वजह से वो अपने ज़िंदगी के काम, उसको ज़िंदगी हसीन लगना बंद हो जाती है, वो अपने आप को हर वक्त का बीमार तसव्वुर, इसकी वजह से उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो आता है, काम तो वो करना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया के कोई मामला भी उसको जचते नहीं हैं। काम कर, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि काम करने से थक जाता है, सांस चढ़ता है, सांस फूलता है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, श्रिवलिंग हो जाती है, फीवर भी होने लग जाता है। ये तमाम सिम्टम्स है। बाद एक्यूट जो है वो शदीद कंडीशन इख्तियार कर जाए तो लूज़ मोशन लग के इंतहाई वीकनेस भी हो जाती है कि पेशेंट को हाथ दे के उसको सहारा दे के चलाना पड़ता है। पेशेंट की जो शक्ल है वो इंतहाई पेल और इंतहाई मुरझाई हुई, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा मेकअप और अच्छे से अच्छा गुड सर्कमस्टांसिस उसको अच्छा नहीं दिखा सकते। तो अब हम देख लेते हैं कि किन डिजीज़ के अंदर, कौन सी वाली बीमारियों में आप रूबिया को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एनेमिक हैं, आपका HP कम है, तो डेफिनेटली आपका स्प्लीन एनलार्ज होगा। स्प्लीन के डिसऑर्डर में आप रूबिया को यूज़ कर सकते हैं। एमिनोरिया में आप रूबिया को यूज़ कर सकते हैं, जब बच्चियाँ इंतहाई पेल दिखें और खून की कमी की वजह से उनके पीरियड्स रेगुलर ना आ रहे हों, और पीरियड्स के दौरान उनको बहुत ज़्यादा पेन का सामना और बहुत ही वीकनेस उनको हो के वो अपना डेली रूटीन का काम प्रॉपरली ना कर सकें, तो एमिनोरिया में बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद रूबिया जो है स्प्लीन डिसऑर्डर जो भी है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये जॉइंटस हो गया। चलें जी इसकी डोजेस को जान लेते हैं। अगर तो HB लेवल बहुत ज़्यादा कम है, 5-6 है, 6-7 है, तो आप इसको मदर टेंचर में लेंगे, 20 ड्रॉप्स लेंगे सुबह दोपहर शाम, एक कप पानी में डाल के, ये बहुत जल्द बूस्ट करेगा आपकी HB को और आपके HB के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएगा। और अगर आपका और इसको आपने तब तक यूज़ करना है जब तक आपका HB नॉर्मल नहीं हो जाता मदर टेंशन में, उसके बाद इसको आप स्विच कर सकते हैं 30 में, और इसको आपने पर लॉन्ग यूज़ नहीं करना है। जैसे ही आपको इसकी सिम्टम्स ख़त्म हो तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग एक मेडिसिन को लेते हैं और सालों साल यूज़ करते रहते हैं, और इसको आपकी ये जो है ये भी आपको नुकसान देता है अपनी, अगर आप किसी सीरियस। चलें जी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।